ओके, एट्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में क्या करेगा? नवम पंचम, लेकिन अष्टमे जहां बैठेगा उस जगह की हानि करने का तो उसका काम है ही। इट विल किल योर हैप्पीनेस, इट कैन किल योर मदर ऑल्सो। एट्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, शुभ ग्रह है तो मम्मा कष्ट में रहेंगी, मम्मी को लेंगे नहीं, मम्मा कष्ट में रहेंगी, राइट। अष्टमे आपके घर जाके बैठ गया, दैट मींस आपके घर में इनस्टेबिलिटी आ गई, यानी कि आप इधर उधर भटकते रहोगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर सेटलिंग डाउन इनटू सम फार प्लेसेस फ्रॉम योर नेटिव टाउन, राइट। ओके, और प्रॉपर्टी का योग नहीं है ये, घर को अस्थिर कर देगा ना वो। आपके घर पे मंगल शनि आके बैठ गए, घर घर अनस्टेबल हो जाएगा ना। मंगल इन द फोर्थ हाउस, सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, किसे तो है ना। ओके, देन इट इज योर माइंड, राइट। फोर्थ हाउस इज योर माइंड, एट्थ लॉर्ड गेटिंग इन योर माइंड, नो पीस ऑफ माइंड। नाउ इफ इट इज हैविंग एनी बेनिफिक एस्पेक्ट, देन इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, बिकॉज 4, 8, 12 इज मोक्ष त्रिकोण, सही है, स्पिरिचुअलिटी के लिए। 4, 8 और 12 का संबंध मटेरियलिस्टिक गेन से नहीं है, जब 4 को हम 8 और 12 के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो जब हम 8 और 12 के पर्सपेक्टिव में नहीं देखते हैं तो फिर वो लैंड और वो सब कहानी है कारवां। 8th से कोई भी संबंध बनाया तो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस और मदर हैप्पीनेस को जरूर किल करेगा वो। और 12th में मोक्ष में भी संसार छोड़ के जाना रहता है भाई। तो 14th स्थान का लॉर्ड 12वें में चला गया तो आश्रम में रहने चला जाता है ना आदमी, कोई घर को छोड़ देता है ना। सो 8th लॉर्ड जाकर 4th हाउस में अनर्थ करता है बहुत ही, क्यों? क्योंकि अगर वो मैलिफिक ग्रह है, मान लो शनि है अष्टमे शुक्र 4th स्थान, आप प्रसन्न रह नहीं सकते कुछ कर। का दुख दुख नहीं है, शनि का दुख अकेला इंसिडेंस वाला दुख नहीं है, शनि का दुख कंटिन्यूस दुख। जैसे मान लो किसी का शुभ ग्रह है कोई चतुर्थ में, राइट, से सपोज पूनम का 4th हाउस में वीनस, पूनम 4th हाउस में बोले ना वीनस, तो शुक्र बैठा मन पर तो क्या होगा, पूनम हमेशा अस्थि खिलखिलाती रहेगी। शनि बैठा अगर मन पर तो व्यक्ति उदास ही रहेगा ना। अरे शनि तो उच्च भी होगा तो शनि है ना, अब एक बार शनि डांस करने लगेगा क्या हो गया तो भयानक दुख, फिर उच्च का हो गया तो गंभीर बना देगा, गंभीर बनाएगा ना। सैटर्न मैक्सिमम क्या कर सकता है, शनि अपने ही दायरे में खेलेगा ना, तो आपको गंभीर बना देगा, फिलोसफर बना देगा, ये कर देगा वो कर देगा। हाँ आप बोलोगे जनता की सेवा करूंगा यो, लेकिन शनि हंसने नहीं देगा भैया आपको। हंसने की जिम्मेदारी जो है वो इन्हीं लोगों के पास है, चंद्र के पास, शुक्र के पास, बुध के पास। ये मन पे बैठेंगे तो आप हंसोगे, खुश रहोगे। सैटर्न बहुत अच्छा बैठा है, योग कारक है, स्वराशि है, तो मन पर शनि का प्रभाव आ गया। अच्छा शनि है, अच्छा शनि क्या करता है, वैरागी करेगा ना, वैराग करेगा ना, वो शुक्र जैसा चहचाने लगेगा कि शनि अपना नेचर कभी नहीं बदलता। जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज है, जो उसका नेचुरल कैरेक्टर है, जुपिटर विल ऑलवेज बिहेव लाइक जुपिटर, मंगल विल ऑलवेज बिहेव लाइक मंगल ना। प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व करनी है, गुरु जो है वो सुझाव देकर सॉल्व, मंगल चाटा मार के कर देगा। जुपिटर इन द फोर्थ हाउस इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड, जुपिटर इज वेरी, शुक्र जो है इट इज ए प्लैनेट फॉर हैप्पीनेस। गुरु इन द फोर्थ हाउस विल गिव यू कंपैशन, कंपैशन जो है वो हैप्पीनेस के ऊपर है। पूनम कैन बी ओनली हैप्पी व्हेन एवरीथिंग इज राइट,